तो गाइस, नई कार तो हर कोई परचेज करना चाहता है और सभी का सपना होता है कि यार वो नई कार परचेज करे, उसे अपनी फैमिली को घुमाए। तो गाइस, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन सी कार है इंडियन मार्केट के अंदर जो आपको 6 लाख से कम में मिल जाएंगी। और गाइस, इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी क्या होगी उस कार की माइलेज, कैसे इंटीरियर और कैसी उस कार की लुक्स। तो गाइस, बन रहे वीडियो के साथ। तो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। और गाइस, अगर आप ऑटोमाइल जगत से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बिना आपका समय गवाए वीडियो करते जल्दी से शुरू। तो गाइस, वैसे तो इंडियन मार्केट में बहुत सारी कार है जो आपको 6 लाख के अंदर मिल जाएंगी, बट गाइस इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल कार पिक की है। और गाइस, इनमें से आपकी कौन सी कार फेवरेट है वो मेरे को आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो गाइस, वीडियो को यार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारे जो पहली कार है ना, वो है रेनॉल्ट काइगर। और जो रेनॉल्ट काइगर है वो भी हाल ही में लॉन्च की है रेनॉल्ट ने, और इसके जो लुक्स है बिल्कुल सेम है क्विड की तरह। तो गाइस, बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो गाइस जो इस कार का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,64,000। और गाइस, जो ये कार है वो आपको 2 इंजन ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जो कि पहला है 3 सिलेंडर 999 cc का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 710 bhp की मैक्सिमम पावर। और गाइस, जो दूसरा इंजन है वो है 1 लीटर टर्बो चार्ज, जो कि प्रोड्यूस करता है 98 bhp की मैक्सिमम पावर। और गाइस, जो ये कार आपको बहुत मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। और गाइस, जो कार के लुक्स है वो तो देख रहे हो कुछ इस तरह के हैं, और जो इंटीरियर कार के वो कुछ इस तरह के हैं। बात करते हैं गाइस कि क्या आपको इस कार से माइलेज मिलेगी। तो गाइज, अगर आप इस कार को सिटी में ड्राइव करते तो इजीली 16 से लेके 18 किलोमीटर की माइलेज आराम से गेन कर लेंगे, वो भी नॉर्मल ड्राइव करके। अगर आप इसको हाईवे पर ड्राइव करते हो, हाईवे की जो माइलेज है वो आराम से आपको 19 से लेके 21 तक की मिल जाएगी। और गाइज, जो हमारे लिस्ट में यहाँ पर सेकंड कार है वो है टाटा टाइगर। और जो इस कार का बेसिक्स वेरिएंट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है टाटा वालों ने। और बात करें इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की, तो गाइज जो एक कार आपको 5,59,000 एक्सशोरूम प्राइस में स्टार्टिंग की रेंज में मिल जाएगी। और इस कार ने काफी अच्छे स्टार भी स्कोर कर रखे हैं सेफ्टिंग में। बात करें गाइस इस कार के इंजन ऑप्शन की, तो वह आपको मिलेगी 1.2 लीटर एवर्ट्रॉन इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करेगा 84 bhp की मैक्सिमम पावर। और गाइस, यहां पर मैं यार डीजल इंजन नहीं कर रहा हूं इंक्लूड इस वीडियो में, क्योंकि गाइस आजकल यार पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल सेम हो चुके हैं और इतना फर्क नहीं रहा। तो बात करते गाइस इस कार की माइलेज की, तो गाइस इस कार में आपको सिटी के अंदर 15 से 16 की माइलेज देखने को मिलेगी, और हाईवे पे आप इस कार से आराम से 20+ की माइलेज आराम से क्लेम कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर हमारे लिस्ट में थर्ड कार है वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो गाइस, जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इसका जो प्राइस था वो 4,99,000 के आसपास था, और अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो जो इस कार का जो बेस मॉडल है वो आपको 5,73,000 का मिलेगा, वो भी एक्सशोरूम प्राइस। और गाइस, जो कार आती है वो आती है के सीरीज डुअल जेट 1,197 cc इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 bhp की मैक्सिमम पावर। और गाइस, जो कार के लुक्स है वो कुछ इस तरह के हैं, और इंटीरियर भी कार के कुछ इस तरह के हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। बात करें गाइस इस कार की माइलेज की, तो गाइस इस कार के अंदर आपको सबसे बढ़िया माइलेज मिलती है यार। आप हाईवे पर आराम से 22+ की माइलेज इस कार से गेन कर लेंगे, और 18+ के आसपास आपको सिटी में इस कार से माइलेज मिल जाएगी। और गाइस, यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो यार फोर्थ कार है ना, वो मेरी फेवरेट है, जो है टाटा अल्ट्रोस। टाटा अल्ट्रोस ने यार 5 स्टार गेन करे हैं सेफ्टी रेटिंग में, जो कि किसी हैचबैक के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। बात करें गाइस इस कार के स्टार्टिंग प्राइस, तो जो इस कार का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 5,79,000। और गाइस, जो एक कार आती है 1.2 लीटर एवर्ट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन के साथ। और बात करें इस कार की माइलेज की, तो गाइस इस कार से आपको ना 17+ माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगी। और गाइस, कार के लुक से बाहर से कुछ इस तरह की है, और जो कार के इंटीरियर है वो कुछ इस तरह के हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारे लिस्ट में तो फिफ्थ कार है ना, वो है मारुति सुजुकी वैगनर। और गाइस, जो ये कार है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फैमिली कार सीरीज में। और बात करें गाइस इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की, तो गाइस जो एक कार है वो आपको 4,80,000 में स्टार्टिंग प्राइस में मिलेगी। और जो इस कार का इंजन है वो सेम इंजन है जो अभी स्विफ्ट में आ रहा है के सीरीज का। और माइलेज की गाइस अगर मैं बात करूँ, तो इस कार से आपको आराम से 20 से लेकर 22+ की आराम से माइलेज आपको इस कार से मिल जाएगी। बात करें गाइस इस कार के लुक्स की, तो गाइस इस कार के लुक्स कुछ इस तरह के हैं, और कार के जो इंटीरियर हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो 6 कार है ना, वो है रेनॉल्ट क्विड।
और जो ये कार है हमारे लिस्ट में सबसे सस्ती कार है जो कि आपको पड़ेगी 3,32,000 के स्टार्टिंग प्राइस में। और गाइस जो ये कार है वो आती है 799cc 3 सिलेंडर इंजन के साथ जो कि प्रोड्यूस करता है 53 bhp की मैक्सिमम पावर। गाइस कार के लुक से काफ़ी शानदार है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और इंटीरियर गाइस आपको इस कार में कुछ इस तरह के मिलेंगे। बात करें गाइस इस कार के माइलेज की, तो गाइस जो इस कार की माइलेज है वो आपको सिटी के अंदर 18 के आराम से मिल जाएगी और हाईवे पर आपको 22 से लेके 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको ये कार बड़ी आराम से दे देगी। और गाइस यहाँ पर हमारे जो साथ ही कार है वो है मारुति सुजुकी इग्निस जो कि सेल की जाती है नेक्सा डीलरशिप पे। बात करें गाइस इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की, तो गाइस जो एक कार है वो आपको पड़ती है 4,95,000 से स्टार्टिंग प्राइस में। और गाइस जो एक कार है वो 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 81.8 bhp मैक्सिमम पावर। बात करें गाइस इस कार के माइलेज की, तो इस कार से आपको 20+ की माइलेज आराम से देखने को मिल जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में आठवीं कार की तरफ जो कि है Hyundai Sentro। और गाइस Hyundai Sentro को लोग यार काफी समय से प्यार दे रहे हैं और ये जो कार थी काफी हाई सेलिंग कार थी इंडियन मार्केट के अंदर। और अभी कुछ समय पहले Hyundai ने इस कार का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है जिसकी लुक्स काफी अच्छी हैं। और बात करें इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की, तो गाइस जो एक कार है आपको 4,73,000 के स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगी। और बात करें इस कार के इंजन की, तो गाइस ये कार आते हैं 1.1 लीटर पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन के साथ। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इस कार से आपको 20+ के आसपास आराम से माइलेज मिल जाएगी। और गाइस यहाँ पर हमारे लिस्ट में जो नौवीं कार है वो है टाटा टियागो। और गाइस जो एक कार है, इस कार ने बहुत ही अच्छे स्टार स्कोर कर रखे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। बात करें गाइस इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की, तो गाइस जो एक कार है वो आपको 4,99,000 के स्टार्टिंग प्राइस पे मिलती है। और गाइस इस कार का जो इंजन है वो है 1.2 रेवट्रॉन इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 84.48 bhp की मैक्सिमम पावर। गाइस जो कार के लुक्स है काफ़ी अच्छी है, और जो बेसिक्स मॉडल इस कार का आया है उस मॉडल में मतलब लुक्स को काफ़ी एनहेंस कर दिया है पिछले वाले वेरिएंट से। गाइस बात कर कार के इंटीरियर की, तो इंटीरियर कुछ इस तरह के हैं कार के, और एक्सटीरियर कार के कुछ इस तरह के हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में जो आखिरी कार है, और इसको आखिरी में रखने का मेन रीज़न ये था कि जो एक कार है वो एक 7-सीटर कार है और जो प्राइस है वो कार का वो भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज वो कार है गाइज रेनॉल्ट ट्राइबर, और जो एक कार है वो आपको पड़ती है 5,50,000 के स्टार्टिंग प्राइस पे। और गाइज ये 7-सीटर कार है, बट जो मेन ड्रॉबैक इस कार में है ना वो उसका इंजन को लेकर है। इस 7-सीटर कार होने के बावजूद भी कंपनी इसके अंदर 1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया, बट फिर भी गाइज जो एक कार है वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है। और बात करें इस कार के माइलेज की, तो गाइज इस कार से आपको 18+ के आराम से माइलेज मिल जाएगी। बात करें गाइस इंटीरियर की, तो इंटीरियर कार के कुछ इस प्रकार के हैं और कार के जो लुक्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कौन कौन सी कार इंडियन मार्केट में आपको 6 लाख के अंदर मिल जाएगी और जो एक कार है वो बेस्ट फैमिली कार है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा गाइस अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़ी बाइक से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.gaadistart.com। और गाइस कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मेरे को आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और इनमें से आपकी फेवरेट कार कौन सी है वो भी आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। तो गाइस बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।